एक जमाना था मैं बहुत पकाती थी शान को, BTS में ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है और अब? प्यार क्यों नहीं कर रहे और अब? अब क्या कहो तुम कहो आप। सो ऑडियंस बाय, दिस इज आवर लास्ट डे, फाइनल डे, एंड होपफुली वी विल सी यू इन सम डिफरेंट प्रोजेक्ट, probably working together, probably not working together. I will be looking forward. Probably not working together also, but somewhere else and someplace better. Yes, yes. Till then, sayonara. Adios. अच्छा बताओ, by the way, तुम्हारा सबसे rocking scene कौन सा रहा? I think आज वाला. मुझे लगा था. जो मैंने शांत को और ईशा मैम के साथ जो मैंने किया, I think. अच्छा. मैंने पहली बार acting नहीं की, पर it was just going through that emotion part. That emotion part, yeah. So oh, lovely. I think you guys will like it. I hope you should like it. I must confess, I always, मतलब मैं पीछे कहीं side में भी खड़ी होती हूँ ना, inclined भी मुझसे इसके eyes दिख जाएं तो मेरा fan moment चल रहा होता है. You are really always adorable. That's very kind of you. Every time you impress. Awesome. You're so good. And तो चल भी कुछ ना था. सबसे सिली सी कभी कुछ लगाओ तो तुमने किया कि अरे ये क्या ही कर रहा हूँ मैं. ऐसे तो बहुत सारे दिन एक आधा हो ही जाते हैं. कुछ लाइन्स होती है ऐसी जो ऐसे बोल नहीं सकते या बोलने का मन नहीं कर रहा होता है पर जबरदस्ती बोलना पड़ता है. हाँ ऐसे बहुत सारे सीन मन भी नहीं, वो तो खुद ही ऑडियंस ही बता देगी. चलो ठीक. हाँ चलो, बहुत सारा फुटेज दे दिया अभी आपको. सायोनारा, लव यू ऑल, थैंक यू. पुलिस लेके गई मुझे. पुलिस ले गई? राजू मैं आऊंगा, मैं वापस वापस आएगा. आपके वापस आने से क्या ही हो गया? 15 मिनट में सीन खत्म करते हैं. एक मिनट पीछे, ये पागल लड़की ने कसम से ना पूरा कॉमेडी बना रहा है. तू है भी लग रहा है, देखो उस पे आना है. थोड़ा सा सुन लो. यस चलो एक वजह से कंटिन्यू करेंगे. देखो ऐसे कैसे करते हैं, दिखती नहीं रही. ये रोशनी आ जाए जीवन में तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं. वाह, आरजी भी दे दी दादा ने. आपकी ब्लॉगिंग ना रुके, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए. आप देखते रहिए इनके ब्लॉग्स और देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में, जो सीजन 3 में हमारी भाविका शर्मा नंबर 1 पे ले जाने वाली हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑल द बेस्ट डार्लिंग, यू कैन डू दैट. कीप ग्लोइंग एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क. Thank you.
हम मिलेंगे, ये घर आ रही है मेरे, ये नेशन वाइड नेशन को बता दो तुम, ये बुला ही नहीं रही है, मैं एक साल हो गया बोलते बोलते बुला लो बुला लो, ये घर पे इतने अपने घर पे पता नहीं कितना जा पाती होगी, कहाँ। हाँ वो भी है, पर मैं आऊंगी, मैं खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यस विल प्लान दिस, यस डन, फिर हम वहाँ भी मिलेंगे ब्लॉग में। यस देखा, ये लड़की काबिल है, देखो ये एक्सप्रेशन, इसने एक बटरफ्लाई देखा है अभी। ठीक है उधर, I'm very chill, show the chill face। जितने भी मीडिया वाले मुझे सुन रहे, प्लीज इसे खतरों के खिलाड़ी को ऑफर दो, उसको जाना है खतरों के खिलाड़ी। ये देखो ये देखो ये 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 है, ये आवाज आई थी थोड़ी सी, मसूबी इतने डर गई लड़की। ये देखिए ढूंढ रहे, लाइट ढूंढ रहे, कंटिन्यू मिल जाएगा, मर जाएगा, जा चीले पे भाई इनवॉइस वाला क्या जा भैया, उसको रात में जाने में डर लगता है तेरे में। मैं यहाँ करा था, वो यहाँ करा था, ऐसे कर सके। चलता है हमारा एंटरटेनमेंट ऑन सेट, जब लाइट ही ना हो, कितनी प्यारी लाइट आ रही थी, कहाँ है तू, नहीं आ रही, कुछ तो प्रेमा आया लाइट भी आई जाएगी थोड़ी देर में, देखिए सब लाइट को लेने गए हैं कहीं से, ओ मिल गई लाइट, मिल गई डॉग में, टाइमिंग भी अच्छी मिल गई मुझे, जब हम लाइट ढूंढने गए तभी लाइट आई। अब हमारा ईशान गोली खाने के लिए रेडी है। सो गुम है किसी के प्यार में भोसले परिवार के फाइनल क्लोज शॉट करने के लिए रेडी है, कैमरा सेटअप हो चुका है, हमारा सेटअप करना बाकी है क्योंकि अभी मर्डर सीन शूट हुआ था, अब वापस हमें उसमें फ्रेश लुक में जाना है, तो करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, सब अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस एट 8 PM। ऑल्सो जब मेरा नया सीरियल आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, देख लीजिएगा। करण सिंह बोरा वो एक्टिविटीज मैं दिखाती हूँ आपको, ले रहे हैं एक ब्यूटीफुल पिक्चर, चलिए स्टंट दिखाते हैं आपको।